एवरीवन स्टूडेंट्स, आपका जो नेक्स्ट सब यूनिट है वो है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी के अंदर क्या है, ये थ्योरी है रिलेटेड टू पॉपुलेशन। ठीक, ये पॉपुलेशन थ्योरी की एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है और इसमें दो चीज़ें हैं। ठीक, कि इसमें डेटा और स्टैटिस्टिक का एक बहुत बड़ा कम्बिनेशन है। फर्स्ट टाइम जिसको हम कहेंगे कि डेटा और इसको लेके एक थ्योरी जो फॉर्मुलेट की गई वो थी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। ये थ्योरी दी थी डब्ल्यू एस थॉम्पसन ने 1929 में। फिर इसी थ्योरी को 1945 में फ्रैंक नॉर्डस्टीन ने इसको थोड़ा सा चेंज किया, मॉडिफाई किया, और इसके अंदर क्या किया कि फर्टिलिटी और मॉर्टेलिटी के ट्रेंड को देखते हुए कुछ रीजन्स के अंदर जैसे यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इन जगहों पर फर्टिलिटी और मॉर्टेलिटी रेट को देखते हुए एक थ्योरी दे दी कि भाई अगर यहाँ पर फर्टिलिटी और मॉर्टेलिटी इस तरीके से है तो वर्ल्ड के अंदर इस चीज़ को क्या क्राइटेरिया रहेगा, इसी चीज़ को देखते हुए थ्योरी दी थी। इसमें क्या हुआ कि एक ये थ्योरी कहती क्या है कि एक पर्टिकुलर पैटर्न होगा डेमोग्राफिक चेंज के अंदर, कि पॉपुलेशन जो है पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करेगा फ्रॉम हाई फर्टिलिटी टू हाई मॉर्टेलिटी टू अ लो फर्टिलिटी टू लो मॉर्टेलिटी, व्हेन कि हाई फर्टिलिटी से लेके हाई फर्टिलिटी और हाई मोर्टेलिटी से लो फर्टिलिटी और लो मोर्टेलिटी की तरफ एक सोसाइटी जाएगी जब वो रूरल एग्रेरियन से कहाँ जाएगी, अर्बन रीजन की तरफ। यानी अगर एक सोसाइटी पहले रूरल रीजन में है तो उसके अंदर हाई फर्टिलिटी हाई मोर्टेलिटी होगा, और जब वहीं अर्बन रीजन के अंदर जाएगी तो उसके अंदर लो फर्टिलिटी लो मोर्टेलिटी होगी। ये पूरी थ्योरी का बेस था इसके बारे में। अब इसमें उन्होंने तीन चीज़ें, तीन हाइपोथेसिस के बेस पर ये थ्योरी दी थी। पहला कि मोर्टेलिटी डिक्लाइन होगी, टू डिक्लाइन इन मोर्टेलिटी कम्स बिफोर द डिक्लाइन इन फर्टिलिटी, कि जो मोर्टेलिटी है वो फर्टिलिटी से पहले डिक्लाइन होगी एक चीज़, और फर्टिलिटी इवेंचुअली डिक्लाइंस टू मैच मोर्टेलिटी, और फर्टिलिटी डिक्लाइन होगी ताकि मोर्टेलिटी के साथ मैच कर पाए, और सोशो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन भी साइमल्टेनियसली इन दोनों चीज़ों के साथ साथ चलती रहेगी। ये पूरा थ्योरी का इसका एक कुछ चीज़ें थी। इसके बाद इसको कुछ स्टेजेस में बांट दिया गया, और अगर आज हम वर्ल्ड के अंदर देखें तो इनमें से कोई ना कोई स्टेज हमारी कंट्री जो है डिफरेंट कंट्रीज अलग अलग स्टेजेस में आपको देखने को मिलेंगी। अब बीच में यहाँ पर ये है जी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन करेक्टराइज बाई कंस्पिशियस ट्रांजिशन स्टेजेस के अंदर हाई बर्थ रेट्स और डेथ रेट से लेके, जैसे डोलन ने कहा कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन क्या होगा, एक पॉपुलेशन साइकिल है जो स्टार्ट होगा डेथ रेट के फॉल से, फिर ऐसे ही पॉपुलेशन ग्रोथ के साथ कंटिन्यूसली बर्थ रेट के साथ डिक्लाइन हो जाएगा। इसकी चार स्टेजेस के अंदर इसको बांटा गया। पहली स्टेज के अंदर हाई और फ्लक्चुएटिंग बर्थ एंड डेथ रेट होगा और स्लो पॉपुलेशन होगी, हाई फ्लक्चुएटिंग बर्थ एंड डेथ रेट एंड स्लो पॉपुलेशन ग्रोथ। स्टेज सेकंड कहता है अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज होती है, यहाँ पर बर्थ रेट हाई होगा एंड लो डेथ रेट, कि डेथ रेट लो हो जाएगा, बर्थ रेट हाई है, बर्थ रेट डेथ पॉपुलेशन अब क्या होगा राइज बिगिंस टू राइज स्टेडली। जब बर्थ रेट हाई होगा डेथ रेट कम होगा तो पॉपुलेशन स्टेडली राइज होना शुरू हो जाएगा। स्टेज थर्ड कहती है लेट एक्सपेंडिंग। लेट एक्सपेंडिंग का मतलब कि अब क्या होगा, बर्थ डिक्लाइनिंग बर्थ रेट होगा, ठीक है, लो डेथ रेट और स्लो पॉपुलेशन ग्रोथ। ओके, स्टेज फोर्थ होगा लो फ्लक्चुएटिंग। स्लो फ्लक्चुएटिंग का मतलब कि लो बर्थ रेट लो डेथ रेट, या फिर इसको स्टेशनरी स्टेज भी कहा जाता है, यहाँ पॉपुलेशन स्टेडी होगी। अब अगर हम फर्स्ट स्टेज को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें तो ये जो ग्राफ है इसमें आप देख रहे हो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, तो देखो यहाँ पर एक साइड पे है टाइम का पैरामीटर दिया है, एक एक्सिस पर आपके पास बर्थ और डेथ रेट पर थाउजेंड दिया है। यहाँ पे आप देखो तो फर्स्ट स्टेज जो है आपकी शो हो रही है, स्टेज फर्स्ट जो है ये है स्टेज फर्स्ट, इसके इधर इधर ये स्टेज फर्स्ट है, यहाँ पर हाई बर्थ रेट है, ठीक है, बर्थ रेट आपकी काफ़ी हाई है, डेथ रेट भी आपकी काफ़ी हाई है, ठीक। अब क्या हो रहा है, फैमिली फर्टिलिटी ओवर 35 पर थाउजेंड एंड द मोर्टेलिटी इज़ आल्सो हाई बिंग मोर देन 35 पर थाउजेंड, फर्टिलिटी हाई मोर्टेलिटी हाई, ठीक है। अब मोर्टेलिटी जो है वो इरेटिक है, कभी बढ़ रही है कभी कम रही है ड्यू टू एपिडेमिक्स और वेरिएबल फूड सप्लाई, इन सभी वजह हो सकती हैं कि हमारे पास यहाँ पर मोर्टेलिटी हाई है, कि हमारे पास यहाँ पर हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी है, रिलीजियस उसके बाद लो प्रोडक्टिविटी लेवल है, रिलीजियस ऑर्थोडॉक्स के बहुत सारी जगहों पर जो है वो हम देखते हैं फीमेल को, या जो पहले एज पहले इसमें बहुत पहले का टाइम जो स्टेज फर्स्ट जो है इसमें सब स्टार्टिंग स्टेज होता है, प्री इंडस्ट्रियल स्टेज इसको कहा जाता है, तो इसमें
बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जी, ठीक है। जैसे आपके पास लो पॉपुलेशन डेंसिटी होगी, उसके बाद प्रोडक्टिविटी लेवल, पुअर हेल्थ फैसिलिटी, इसके अंदर एक कॉज आ जाता है, ठीक है। फिर आता है स्टेज सेकंड पर। द सेकंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इज करेक्टराइज बाई अ हाई एंड ग्रेजुअल डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी ऑफ ओवर 30 पर 1000। अभी कम हो रहा है, 30 तक पहुँच गया, ठीक है। मोर्टेलिटी भी 15 तक पहुँच गया पर 1000, ठीक। यहाँ पर डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा मोर्टेलिटी, ठीक है, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज़ इम्प्रूव करना शुरू हो जाएंगी, उसके बाद अवेयरनेस नॉलेज आ जाएगी, उसके बाद आपके पास ये सारी चीज़ें जो हैं वो कंटिन्यूसली। अब क्या हो रहा है, सोसाइटी जो है अर्बन रूरल रीजन से अर्बन की तरफ ट्रांसफॉर्म हो रही है, तो उसके अंदर जो जो चेंजिंग हो सकती हैं वो होंगी। अगर आप इसमें देखो तो वर्ल्ड की हमारे पास जो एशियन कंट्रीज मैक्सिमम जो हैं वो इसी स्टेज के अंदर मिलेंगी, इंक्लूडिंग इंडिया। स्टेज थर्ड है, द थर्ड आर द लेट एक्सपेंडिंग फेज स्लो। अब क्या होगा, ग्रोथ रेट के अंदर कम हो जाएगा, डेथ रेट स्टेबलाइज हो जाएगी, लो लेवल हो जाएगा, उसके बाद लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई हो जाएगा, ये थर्ड स्टेज के अंदर आएगा। फिर वैसे स्टेज फोर्थ के अंदर क्या है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, कि बर्थ एंड डेथ रेट जो है वो एकदम से कम हो जाएंगे, ठीक। पॉपुलेशन स्टेबल हो जाएगी या ग्रोथ करेगी स्लोली। जैसे आप वर्ल्ड यूरोपियन कंट्रीज़ को देखो, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, हांगकॉन्ग, जापान, ये है इसके लेवल तक पहुँच चुकी हैं। अब इसके अंदर बहुत सारी कमी थी, जैसे यहाँ पे इसके अंदर जो सबसे पहली चीज़ कमी यही थी कि उन्होंने जो कुछ एक रीजन्स को देखते हुए डेमोग्राफिक ट्रांजिशन दी थी। लेकिन अगर आप आज भी वर्ल्ड के अंदर देखो तो हमारे पास ये एक जनरल थ्योरी बन जाती है कि जब भी हम एक कोई कोई भी एक रीजन, एक पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्मेशन होती है उसके अंदर फ्रॉम रूरल टू अर्बन रीजन, तो उसके अंदर ये चेंजिंग हमें देखने को मिलती है। इसकी चार स्टेजेस आप लोग इसको देख लें, ज़्यादा इसको लेंथी नहीं है, आराम से इसको देखें, कहीं कुछ प्रॉब्लम आती है तो पूछ सकते हैं।